हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। मैं लक्ष्मी दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज 10th ऑफ सितंबर है, 10 सितंबर का दिन है आज। और अभी सुबह के 6:32 हो रहे हैं, 6:32 AM सुबह सुबह का वक्त है अभी, ठीक है। और हमारा मार्केट अभी ओपन होने में, एज यूजल आपको पता है कि 9:15 हमारा मार्केट ओपन होता है। अभी का जो सिनेरियो है, अभी के हिसाब से हम मार्केट को थोड़ा सा एनालाइज करके चलेंगे मार्केट का, ठीक है। तो आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, हमारा ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट मैंने प्लॉट किया है, ठीक। अभी देखिए 6:32 का वक्त हो रहा है और हमारे मार्केट के ओपन होने में लगभग लगभग अभी 2.5 घंटे बाकी हैं, ठीक है। 2 घंटे 45 मिनट, टू आवर 45 मिनट्स अभी हमारे बाकी हैं मार्केट के ओपन होने में अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो अभी हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे, मार्केट का एनालिसिस करेंगे कि भाई मार्केट के हमारे कहाँ ओपनिंग के चांसेस हैं, ठीक। तो अगर हम इस आवरली चार्ट को अगर हम प्लॉट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में दोनों में हम अगर आवरली चार्ट को प्लॉट करेंगे, तो देखिए मार्केट ने कल कल का जो मूवमेंट दिखाया था, तो ये देख रहे हैं निफ्टी में, ये कल का ही है, 8:30 का टाइमिंग है। इसके बाद से सॉरी 9:30, ठीक है, ये 9:30 का टाइमिंग है। और 9:30 के टाइमिंग से मार्केट ने बिल्कुल ऊपर की तरफ अपना रुझान दिखाया था। कल मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ गई थी, कल मार्केट ने कोशिश करी थी कि ऊपर चलने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया निफ्टी। ये निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक। और अगर आप पैटर्न देखेंगे यहाँ से, तो इसने देखिए एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर एक लोअर हाई बनाया, यहाँ से एक लोअर लो बनाया था, और यहाँ से फिर एक बड़ा सा लोअर लो बना दिया। अब डिपेंड ये करता है, आज अगर मार्केट ने यहाँ से अगर नीचे की तरफ रुझान पकड़ लिया और ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया 24,750 का, 24,750 के नीचे अगर निफ्टी आती है, तो मार्केट में फिर एक गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो हम अभी तक के हिसाब से देख रहे हैं अपने चार्ट को। और सेम वे बैंक निफ्टी में भी देखेंगे कल, तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा उछाल दिखाया था। ये आवरली चार्ट है, इसलिए आपको शायद थोड़ा समझने में दिक्कत भी हो रही हो, बट मैं 5 मिनट्स का चार्ट प्लॉट करूंगा, तो 5 मिनट के चार्ट में आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि कल निफ्टी ने भी यहाँ से देखिए हायर लो बना के, और इधर हायर हाई बना के चलने की कोशिश की थी, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया था। निफ्टी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया था, बट बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे मूवमेंट देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में भी सेम देख रहे हैं आप, यहाँ हायर हाई बनाते हुए चल रहा है, ये हायर लो बनाते हुए चल रहा है। तो एक बार के लिए कहा जा सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है, ठीक है। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। अब देखिए इंडियन मार्केट हमारा जो है वो SGX निफ्टी को मतलब बेस ले लेता है, ओपनिंग के टाइम पर SGX निफ्टी को बेस लेके चल लेता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। तो SGX निफ्टी का जो इंडेक्स है उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि SGX निफ्टी का इंडेक्स ऑलरेडी ओपन हो चुका है। SGX निफ्टी है वो लगभग 625-30 के बीच में वो ओपन हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक शूट किया है SGX निफ्टी ने आज ओपनिंग के साथ ही शूट किया हुआ है, कोई बात नहीं। अभी हम ये भी चेक कर लेते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं डेटा को। ये देखिए अभी ये डेटा 125 के आसपास प्लस में दिखा रहा था, और अभी SGX निफ्टी लगभग 80 पॉइंट के आसपास प्लस में है। देखिए यहाँ से बिल्कुल ऊपर शूट किया था SGX निफ्टी ने ओपनिंग के साथ ही, और उसके बाद दोबारा से नीचे आके अभी इंडेक्स नीचे ट्रेड कर रहा है SGX निफ्टी का। तो कहने का मतलब है कि अभी लगभग लगभग पौने 2.5 घंटे के आसपास अभी हमारे लिए बाकी है मार्केट की ओपनिंग में। तो इस 2.5 घंटे की ओपनिंग, 2.5 घंटे का जो ये गैप है, बफर है, इसमें अगर ये SGX निफ्टी यहाँ से इस नीचे वाले पॉइंट से अगर दोबारा ऊपर की तरफ शूट कर जाती है, तो हो ना हो हमारा मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है। और हमारा चार्ट है वो भी हमें इंडिकेट कर रहा था कि भाई यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो सकता है, और ये SGX निफ्टी भी इशारा कर रही है कि भाई अभी प्लस में ओपनिंग हुई है, अगर ये और मजबूत होता है तो हमारा इंडियन मार्केट भी प्लस की तरफ जा सकता है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिर भी मार्केट की ओपनिंग के टाइम पर कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी प्लेटफॉर्म्स पर, आप इसे फेसबुक पे भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे भी, और टेलीग्राम के जितने भी आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी पे इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं चैनल को, अगर अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि और किस तरीके के वीडियोस की ज़रूरत है, और अपने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।